समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का नाम तय कर दिया है। हालांकि सपा ने अपने राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम ऑफिशियली रूप से जारी नहीं किया है। ये प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया। कुछ विधायक भी बुलाए गए जिन्होंने प्रस्तावक बनने के लिए सादे कागज पर हस्ताक्षर किए। एक विधायक ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया कि जिस कागज पर साइन कराए गए थे उस पर किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा था। सपा सूत्रों के मुताबिक जया बच्चन का नामांकन करना तय हो गया है। उन्हें पांचवी बार मैदान में उतारा जा रहा है। रामजीलाल सुमन 1977 में पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद 1989, 1999 और 2004 में भी लोकसभा चुनाव जीते। वे केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे। मौजूदा समय में वो सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो दलित जाति से हैं। उनके जरिए सपा यूपी में दलित मतदाताओं को साधना चाहती है। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि चूंकि भाजपा ने अपने 7 सदस्यों की सूची में एक भी दलित प्रत्याशी नहीं उतारा है, ऐसे में सपा ने दलित प्रत्याशी देकर संदेश देने का काम किया है। आलोक रंजन अखिलेश सरकार में यूपी के मुख्य सचिव रहे थे। वे जुलाई 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे अखिलेश के मुख्य रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा के तीनों प्रत्याशी मंगलवार को पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सपा को राज्यसभा की 3 सीटें जीतने के लिए 112 मत चाहिए। सपा के पास वर्तमान में 108 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी उसे मिलना तय है। सपा सूत्रों का कहना है कि रालोद और सुभा सपा के टिकट पर उसके 3-3 नेता चुनाव जीते हैं, इसलिए 3 प्रत्याशियों को आवश्यक मत जुटाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजनीति के जानकारों के मुताबिक भाजपा ने भी 8वां प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया है, इसलिए यूपी से सभी 10 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है।